आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंके। मैं अधर्मी अनारे डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी जो राजा राव पाठ बाबा के बारे में। आज हमारे दर्शकों आप लोगों के ही द्वारा एक प्रश्न आया कि राजा राव पाठ बाबा है क्या। तो अब इसके बारे में हमारी पूर्वजों की मान्यता रही है। अब ये मूलतः जो राजा राव पाठ जो है उनको हरी गांव में कहीं ना कहीं इसको मानते हैं हमारे गुणवाना गुणियन मैथोला जी। राजा का मतलब भी बड़ा होता है, राव का मतलब भी बड़ा होता है, और पाठ का मतलब शक्ति होता है, बाबा का मतलब पिता होता है। इस प्रकार से इस जो शब्दावली है, यानी हम इसका संधि विच्छेद करें या फिर शब्दों अनुवाद करें, तो राजा का मतलब होता है मुखिया, बड़ा। पाठ का मतलब होता है शक्ति। राव का मतलब होता है बड़ा, और बाबा का मतलब होता है पिता। इस प्रकार से हमारी जो पूर्वजों की जो मुखिया है, अब वो पिता जो मुखिया है, पितृ जो प्रमुख है, उनको और उनकी शक्ति को हम राजा राव पाठ बाबा के नाम से गुंगो करते हैं। अभी में ये अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। गांव में होता है तो गांव की मुखिया की शक्ति का जो मढ़िया होता है, थाना होता है, वहां पे होता है, या फिर गढ़ का मुखिया, कोर्ट का मुखिया, प्रांगणा का मुखिया, इन सब की जो शक्तियां हैं, और इसी शक्ति की गुंगो करना और उनका नामकरण से ही इस राजा राव पाठ बाबा के नाम से इसको किया जाता है। तो कई ऐसे होता है। अब इसमें ये भी नहीं कि हर जो व्यक्ति है उसको राजा राव पाठ का उपाधि मिले, हर पिता हर पुरुष है उसको राजा राव पाठ मतलब राव पाठ बाबा का उपाधि मिले, ऐसा नहीं। इसमें ये होता है जो अपने कुटुंब के लिए एक प्रतिष्ठित काम किया हो और वो हमारी कुटुंब में प्रतिष्ठित और सम्मानीय और पूजनीय काम किया हो, जिन्होंने हमारी गुंडी पुनेम की सेवा दर्शन को अपने जीवन में धारण करके हमारी कुटुंब की सेवा किया हो, वैसे पितृ जो है अगर उसका हास होता है तो वो पेन में जब मिलता है तो वह सिर्फ एक परिवार का ही पिता नहीं बल्कि हमारे पूरे कुटुंब की मार्गदर्शक और कुटुंब के पिता के रूप में उसको कुटुंब पूजनी और सम्माननीय के रूप में उसको मानते हैं, और उसी शक्ति को हमारे गोंडियन गोंडी मैथोला जी में राव पाठ राजा राव पाठ बाबा के नाम से पिन सरना बनाया गया। और इसकी जो गोंगो होती है, अब इसका गोंगो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग विधि विधान, स्थिति अनुसार, पूर्ति अनुसार, चलागत अनुसार हमारी गुणवाना समाज और समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब इसमें कई जो भाव आते हैं जिसको सिरहा बोलते हैं, सिरहा शक्ति आते हैं, वो जो सिर जो चढ़ाते हैं, सिरहा आते हैं, भाव आते हैं सपनों में, तो वो जो पेन की जो भाव आता है और उसी के आधार में, उसी के निर्देशन में इसका गोंगो को किया जाता है। इस प्रकार से आंगा और राजा राव पाठ बाबा ये जो शक्तियां हैं ये नार की प्रमुख शक्ति है। अब नार की प्रमुख शक्ति है इसलिए इसको नार के व्यवस्था के अनुसार, नार व्यवस्था के अनुसार इनकी गोंगो किया जाता है। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। सादर सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंके।